सोनपुर प्रखंड क्षेत्र की नवाडी पंचायत के इंग्लिश गांव स्थित मां सीता गैस एजेंसी सह नवाडी पंचायत के मुखिया पति विवेक सिंह के आवास पर होली मिलन समारोह सह जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्वी चंपारण के निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी महेश्वर सिंह ने प्रखंड क्षेत्र से आए सभी जनप्रतिनिधियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख अमित कुमार, उप प्रमुख मनोज शुक्ला, उत्तरी नौनिया पंचायत के मुखिया पति शंभुनाथ चौपे, दक्षिणी नौनिया मुखिया प्रभुदास, पूर्वी हिसवा पश्चिमी सरिया मुखिया सहित वार्ड समिति सदस्य मौजूद थे। जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए एमएलसी प्रत्याशी महेश्वर सिंह ने कहा कि पहाड़पुर से मेरा खून का रिश्ता है, मरते दम तक पहाड़पुर के लोगों के लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। कहा कि आपका समर्थन मिला तो पहाड़पुर और अरेराज में जनप्रतिनिधियों के बैठने के लिए भवन का निर्माण कराऊंगा, जिसे आज तक किसी एमएलसी के द्वारा नहीं कराया गया। इस दौरान महेश्वर सिंह ने बताया कि वे सभी मतदाताओं का हेल्थ कार्ड 6 वर्ष के लिए बनवा रहे हैं, जिस हेल्थ कार्ड की मदद से हर साल मतदाता और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज में 1,00,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी। लिहाजा इन कार्यों के दम पर उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे सभी दलों के लोगों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं मौके पर जदयू पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जोखू पटेल, नागेश्वर कुशवाहा, विश्वनाथ यादव, रामा सिंह, नागार्जुन झा, गजेंद्र सिंह, आयुष मिश्रा सहित स्थानीय नेता मौजूद थे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत। आज हम पहुंच चुके हैं अरेराज अनुमंडल के पहाड़पुर प्रखंड के इंग्लिश गांव में, जहां एक सैलाब चल रहा है। अभी आपको दिखाएंगे कि यहां गाड़ी लगी हुई है। एमएलसी प्रत्याशी हैं पूर्वी चंपारण से महेश्वर सिंह, जो अभी फिलहाल अभी हवा चल रही थी राजद की, राजद से टिकट मिलने की जो है इनकी हवा चल रही थी, लेकिन एकाएक जो है उस पार्टी से इनको जो है एक लेटर निकाला गया फेसबुक के माध्यम से, और एक हवाला दिया गया कि नहीं, टिकट आपको जो है पार्टी से नहीं मिलेगी। और आज महेश्वर सिंह जो है पूर्वी चंपारण में एक बागी नेता के जैसे उतर चुके हैं MLC के चुनाव में। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ हजारों, कम से कम 2 से 3-4 हज़ार लोग जो है जनप्रतिनिधि यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं बता दूँ कि पहाड़पुर क्षेत्र ही नहीं, पूर्वी चंपारण क्षेत्र से इनका नाता जो है अटूट रहा है यहाँ के लोगों से, यहाँ के जनता से। और हर बाढ़ में, बाढ़ सुखाड़ जो भी हो, इसमें ये आगे बढ़कर के काम किए। और यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं हरसिद्धि विधानसभा से, जब हरसिद्धि विधानसभा था तो यहाँ के ये विधायक रहा करते थे। आज परिसीमन चेंज हो गया, यह गोविंदगंज विधायक हो गया, तो आज जो है MLC प्रत्याशी के रूप में उतर करके आए हैं महेश्वर सिंह। और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का जो है जन समर्थन इनको मिल रहा है। और दो और कैंडिडेट हैं, बबलू देव और बबलू गुप्ता, जो है NDA से हैं और वो जो है महागठबंधन से हैं। लेकिन हम यहाँ बता दें कि यहाँ जो है इनको जो है रोकने के लिए किसी के पास वैसा ताकत नहीं है कि महेश्वर सिंह के गाड़ी को कोई रोक दे। और यहाँ से महेश्वर सिंह, यहाँ की पूरी जनता, यहाँ की पूरे जो है जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि नहीं, आपकी जो है गाड़ी महेश्वर सिंह की निकलने वाली है। बता दूं, अभी मैं पहुँच चुका हूँ और आपसे बात कराऊंगा। मैं चल रहा हूँ MLC प्रत्याशी जो हैं उनसे बात करूंगा, और उनके द्वारा एक चीज़ और जो है बताया गया है कि यहाँ जो है जो बहुत सारे फंड आते हैं MLC के फंड से, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए कुछ नहीं किया गया है। मैं जो जब भी चुनाव जीतता हूँ तो यहाँ के लिए, इस पहाड़पुर के लिए, अरे राज्य के लिए जनप्रतिनिधियों के बैठने के लिए एक विधि व्यवस्था करूँगा, और एक बैठने के लिए भवन का भी निर्माण कराऊँगा। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलता हूँ, तब तक आप मेरे चैनल से बने रहिए। R9 भारत पहाड़पुर से संतोष त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। हेल्थ कार्ड मिला है आप लोगों को? जी, महेश्वर सिंह के द्वारा हम लोग हेल्थ कार्ड मिला है। हम लोग पूर्वी सिसवा के वार्ड सदस्य पूरा लोग आए हैं। इन लोग महेश्वर सिंह का हम लोग सपोर्ट करेंगे। MLC का चुनाव जो है वो हम इन्हीं लोग को वोट देंगे। समर्थन हम लोग का पूर्वी सिसवा का समर्थन उन लोग के साथ है, पूरा समर्थन में है। महेश्वर लग रहा है सीट आपका निकलेगा? जरूर निकलेगा, हम लोग का प्रयास पूरा रहेगा। जहाँ से पैसा भी, एक तरफ तो महागठबंधन दिखाई दे रहा है, एक तरफ NDA का, वो महागठबंधन और किसी भी पार्टी से हम लोग का मतलब नहीं है। जितना भी नेता लोग पहले से जीत कर आए, हम लोग के वार्ड के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। हम लोग पूर्वी शिशु में सब लोग वोट महेश्वर सिंह को वार्ड देगा। हमको लग रहा है कि पहाड़पुर प्रखंड जो है महेश्वरमय हो गया। जी, महेश्वरमय हो गया। महेश्वर सिंह को हम लोग पूरा बहुमत देंगे, जिताएंगे। और पड़ोसी का है सर, पड़ोसी का जीत। हाँ, महेश्वर जी हमारा पड़ोसी हैं सर। मान लीजिए हम लोग का घर में आग लगेगा तो यही बताएंगे, पड़ोसी में बताएंगे। अच्छा, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं क्या? जी, रह चुके हैं। पहले भी हम लोग साथ किए हैं, आज भी साथ कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा है। चुनाव अब निकाल रहे हैं? चुनाव निकल रहा है, महेश्वर सिंह का चुनाव निकल रहा है। पहले नेता था, अभी नेता हम लोग बनाएंगे। अच्छा, हेल्थ कार्ड भी मिला है आपको? जी, हेल्थ कार्ड मिला है। देखिए, और भी सामान मिला है। जय माफे पर हम जब चुनाव लड़ते थे तो कई गो रुपया लगता था पहाड़पुर का लोग अपना खर्च करके हमको जिताता था, और पहाड़पुर के वोट से ही हम जीत जाते थे। इसलिए जो हमसे बन पड़े
वो करना हमारा काम है। आज परिवार में डॉक्टर है तो यहाँ का लोग जाता है तो सेवा करता है, और हम चाहते हैं कि और डॉक्टर के यहाँ भी ये 24 डॉक्टर का पैनल है, पहाड़पुर का लोग और जिले का लोग वहाँ इस कार्ड को लेकर जाएगा तो 24 डॉक्टर के यहाँ इन लोगों को सहायता मिलेगी। हमारे राज्य में और पहाड़पुर में जनप्रतिनिधि भवन के निर्माण के लिए बात कर रहे हैं। हम कहें 3,03,00,000 रुपया एक साल में मिलता है, 3,00,00,000 रुपया, 3,00,00,000 रुपया पंचायत वाइज कर लीजिए ना, 3,00,00,000 रुपया एक साल में MLC को मिलता है, लेकिन आज तक कहीं वार्ड सदस्य से चुन कर जाते हैं, ज़्यादा संख्या वार्ड सदस्य की मुखिया से चुन कर जाते हैं, आज तक बैठने का जगह नहीं है, एक भवन एक चैम्बर नहीं बना सके, और हम जीतेंगे तो पहला काम करेंगे, माने सम्मान नहीं रहेगा तब क्या होगा राय। R9 भारत पहाड़पुर से संतोष त्रिपाठी की रिपोर्ट।